हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वी आर अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोपहर के इस स्पेशल सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट खासा इशू लेकर के मैं आ चुका हूं। रिसेंटली आपने देखा है कि अभी इलेक्शंस हुए हैं दिल्ली असेंबली के, और बहुत ही एक जो एक्सपेक्टेड भी कह लीजिए, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए, रिजल्ट आए हैं। आम आदमी पार्टी ने फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट वहाँ पर अपनी बना ली है। तो उसके बाद में जो एक सवालिया निशान बार बार उठा करते थे हर इलेक्शन के बाद में कि साहब ईवीएम जो है वो खराब है, ईवीएम टेम्पर्ड है, ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में जो है छेड़ जो उसमें कुछ है गड़बड़ की जाती है, कि बार बार जो है रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बार बार गवर्नमेंट में आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ कानों में सुनाई दिया नहीं। मतलब जनरली जो लोग ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठाते थे, आज ईवीएम शायद सही हो चुका है, ईवीएम में वो गड़बड़ें बची नहीं है। खैर, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हमारे को यूपीएससी से क्या रिलेवेंसी उसकी होती है उसको बना करके समझ लेना है। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं इस बात की कि आज यूपीएससी का हमारा आईएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। 796 जो सीट्स हैं वो क्लियर हुई हैं, 796 सीट्स आई हैं। पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा कम है, बट ठीक है, आपको शायद सिलेक्शन के लिए, मुझे जहां तक पता है, एक ही सीट चाहिए होगी। 796 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है एक सीट के सामने। तो जो भी है, आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी दिल से लग जाइए, और जहां पे हमारा सहयोग आप लोगों के लिए अपेक्षित होगा, वो पूरी तरह से हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो गाइज, जो लोग हमारे साथ में अभी एसोसिएट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं इस टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए, फटाफट एक बार सेशन को शेयर करिए। हमारे साथ में कौन कौन है? हमारे साथ में शीतल वर्मा है, रिया शर्मा है, शिवानी भारद्वाज, नेहा परवीन, रवीना राठौर, हेलो एवरीबॉडी। तो फटाफट एक बार एसोसिएट हो जाइए, नए साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रिलेवेंसी करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज में भी बहुत ज़्यादा है। तो जो जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हाय एवरीबॉडी। सो आप बताएं, जब भी आप लोग चाहेंगे सेशन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होगी। तो पेपर पेन साथ में लेके बैठिएगा, जो जो मैं आपको बताता जाऊँ वहाँ पे हाईलाइटर से मैं हाईलाइट करूँगा, तो आप भी नोट डाउन करते चलेंगे। तो गाइस, जो जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, नया शेड्यूल भी बनेगा, नया शेड्यूल भी लेके आएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है, टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो डियर गाइज, आप बैक टू बैक शेयर करते रहिएगा, क्लास की रीच जो है मैक्सिमम हो जाए। तो और आज जो है वो एक थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं थीम क्लियर कर रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा था। देखिए, 2014 के अंदर, 2014 में जब NDA जो गवर्नमेंट बनी, मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी पार्ट वन, उस टाइम के ऊपर जो एक मेजॉरिटी मिली, तो उसके बाद में जो अपोजिशन था, अपोजिशन ने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो ईवीएम में है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में बैक टू बैक बहुत से स्टेट्स जो थी वो भारतीय जनता पार्टी जीतती गई। जीतने के बाद में ये जो एलिगेशन ईवीएम के ऊपर उठाया गया था वो काफ़ी हाईलाइट हो गया, पूरे कंट्री वाइड, मतलब नेशन वाइड ये बातें होने लगी कि गलती जो कहीं ना कहीं पर है वो हमारे ईवीएम मशीन्स में है। यूपी का इलेक्शन जब आया, तो यूपी के इलेक्शन के बाद तो ये जो विरोध था इसके अगेंस्ट के अंदर जो बातें हो रही थी वो एकदम चरम पे चली गई। लोग यही बातें करने लगे कि गवर्नमेंट का आना जो होता है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है। बैलेट जो अपनी ईवीएम मशीन्स होती हैं, ईवीएम मशीन पूरी तरह से हैक की गई हैं और उसी के बेस के ऊपर वोट लिए गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन मार्क लगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो आप लोगों को बता दें, इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था कि जो भी इसको टेम्पर्ड प्रूव कर देगा, आप आइए, हमारा ओपन चैलेंज है, इसको आप प्रूव करके दिखाइए। अभी कोई प्रूव हो नहीं पाया, लेकिन हाल ही में जो भी दिल्ली इलेक्शन हुए हैं, तो दिल्ली इलेक्शन के बाद में काफी लोग वेट कर रहे थे उन्हीं एलिगेशन का कि शायद ईवीएम मशीन खराब होंगी, बट ऐसी बात अभी सुनाई नहीं दी। खैर, पॉलिटिक्स से हमारे को लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी रिलेवेंसी हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकती है, तो आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि आपके जीएस मेंस के जीएस पेपर 2 के जो पॉलिटी वाला पार्ट है वहां पे एसोसिएट होगा। इसके अलावा आपके प्रिलिम्स में भी ईवीएम को लेकर के, मशीन के मैकेनिज्म को लेकर के, या बैलेट पेपर की कुछ जो भी हिस्ट्री है उसको लेकर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो काफी लोग हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। जो भी लोग हमारे साथ में, काइंडली एक बार शेयर करो गाइस फटाफट, तो फिर हम शेयर को सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम मशीन वाला जो हमारा इशू आप लोग देख रहे हैं, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका संदर्भ आप देखिए, साफ लिखा हुआ है, द इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम्स हैज बीन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड विथ डिफरेंट पार्टीज राइजिंग द सीरियस
ऑब्जेक्शंस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द मशीन. मतलब बहुत सी पार्टियों ने क्या है, मशीन के काम करने के तरीके पे, मशीन की वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए. अब जो मशीन पे क्वेश्चन मार्क लगाए उनमें क्या क्या था, देखिए, द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेम्परिंग. मतलब टेम्परिंग का मतलब होता है उसको माना गया कि ये जो मशीन है ये गड़बड़ कर रही है, इसी मशीन की वजह से हमारी पार्टी की हार हो रही है. टेम्परिंग वॉज reignited after the Congress and the Aam Aadmi Party raised the issue with the Election Commission. दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े विरोध किए, इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि साहब जो आपकी ईवीएम मशीन है वो तो गड़बड़ है, ईवीएम मशीन की वजह से हम लोग हार जाते हैं. लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी शायद इस विरोध में नहीं आएगी क्योंकि ईवीएम मशीन इस बार सही हो चुकी हैं. तो ये जो एलिगेशंस लगाए गए कि जो ईवीएम होती हैं वो टेम्पर्ड हो जाती हैं, बेसिकली दोस्तों होता क्या है, डेमोक्रेसी का यही फलसफा है, डेमोक्रेसी के अंदर कभी शिखर होता है तो कभी शून्य होता है, कोई क्लाइमेक्स पे होता है तो कभी खत्म हो जाता है. ये डेमोक्रेसी का सिलसिला है, 5 साल 10 साल 15 साल मैक्सिमम इसके ऊपर किसी की सत्ता ना चली है ना कभी चलेगी. लेकिन बार बार में जो एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं उसके ऊपर सीधी सीधी बात लिखी है, सम लीडर्स हैव गॉन टू एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट द मशीन्स आर बीइंग टेम्पर्ड विद इन ऑर्डर टू फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी. कुछ लोगों ने तो, कुछ नेताओं ने तो भैया यहां तक बोल दिया था कि जो मशीनें हैं इनको टेम्पर्ड ही, मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन इस तरह से कर दिया गया है कि वोट आप किसी को भी दे दीजिए, वोट जाएगा तो सिर्फ रूलिंग पार्टी को जाएगा. और रूलिंग पार्टी इस समय कौन चल रही है, मेनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. तो भारतीय जनता पार्टी पे प्रत्यक्ष ये जब एलिगेशन लगा कि ये जो है रूलिंग पार्टी ने टेम्पर्ड कर दिया है, अब ये बात भी इन्होंने बोल दी. तो यहां पे हुआ क्या था, देखिए, एन ओपन चैलेंज वॉज गिवन बाई इलेक्शन कमीशन टू प्रूव एलिगेशंस ऑफ ईवीएम टेम्परिंग. इन्होंने बोला कि हम इलेक्शन कमीशन जो सूचो आपके चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसने ओपन चैलेंज देकर के कहा कि जिसको ये प्रूव करना हो कि जो टेम्पर्ड है तो आए, उनका स्वागत है, हमारा ये ओपन चैलेंज है. इसके बाद में देखिए, हाउएवर इट इज रिसेंट लोकल इलेक्शंस इन यूपी नॉट ओनली हैज रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन्स बीन क्वेश्चन्ड, सो हैज क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. कहने का मतलब मशीन के ऊपर यदि क्वेश्चन मार्क लगता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क पुट हो रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर. दोस्तों इसके बाद में देखते हैं, लिखा गया है व्हाट इज एन ईवीएम एंड हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क. सवाल आप लोग भी जानना चाहते होंगे, सर ये जो ईवीएम होती है ये होती क्या है और असल में ये काम कैसे करती है, ठीक है, इसका काम करने का तरीका क्या है, किस रूप में ईवीएम मशीन जो होती है वो काम करती है. मैं एक बार कहूंगा कि इसको यदि हम स्विच कर दें तो स्टूडेंट हमारे क्लियर देख पाएंगे और उनको डिटेल में हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे. डियर फ्रेंड्स, यहां पे साफ लिखा हुआ है, ईवीएम्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स प्रोवाइडेड द वोटर विद ए बटन फॉर ईच चॉइस विच इज कनेक्टेड टू ए केबल टू एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स. देखिए, आप लोगों को पता है कि इस तरह से एक मशीन होती है, इस मशीन के ऊपर कई तरह, एक तरफ बटन दिए होते हैं, एक तरफ कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं. तो होता क्या है, एक बटन दिया होता है विद अ चॉइस विच कनेक्टेड बाय द केबल टू एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन. मतलब जहां पे आप बटन दबाते हो उसको वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बैलेट के अंदर वो डिटेल चली जाती है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एन ईवीएम कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स. मतलब कोई भी जो ईवीएम मशीन होती है उसकी दो यूनिट होती हैं. कौन कौन सी यूनिट होती है, देखिए, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट. एक तो जो नियंत्रण यूनिट होती है जो कि पीठासीन अधिकारी जो होता है, आप लोग देखते ना वो एक बटन दबाता है उसके बाद में आप जाके पोलिंग कर पाते हो, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है उसकी एक यूनिट होती है, एंड बैलेटिंग यूनिट एक वो जिसके ऊपर आप मशीन पे वोट देते हो, ठीक है. एंड दीज टू आर कनेक्टेड बाय द 5 मीटर केबल. ये क्या होती है, 5 मीटर की एक केबल से जुड़ी होती हैं. तो मीटर की लंबाई भी यहाँ पे पता होनी चाहिए. दो मशीनें हुई हैं, दोनों मशीनें जो हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के साथ में एक जो है वो बैलेटिंग यूनिट है, और ये दोनों जो होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं किससे, 5 मीटर की एक केबल से. When a voter presses a button against the candidate he she wishes to vote for, the machine locks itself. कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी पसंद पे जब मतदान करता है तो एक वोट देने के बाद में मशीन जो होती है वो अपने आप लॉक हो जाती है. कहने का मतलब एक से ज्यादा वोट किसी भी कीमत में नहीं दिया जा सकता है. ये आपको ध्यान पे समझना पड़ेगा, एक से ज्यादा वोट किसी को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है. इसके बाद में क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट मीन्स दिस ईवीएम कैन बी ओपन्ड ओनली, हाईलाइट कर रहा हूं, कैन बी ओपन्ड ओनली विथ ए न्यू बैलेट नंबर. दिस वे ईवीएम्स इंश्योर दैट वन पर्सन गेट्स वन वोट ओनली.
ठीक है, एक बार डी स्विच करें। यहां तक ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो ईवीएम का मैकेनिज्म होता है ये बताने का प्रयास है। तो ईवीएम वोटिंग मशीन जो होती है इसके अंदर एक आप लोगों को बटन दिया होता है, क्योंकि काफी लोग वोट दे चुके होंगे और कुछ लोग जो ऐसे होंगे अभी शुरुआत किया है 2024-25 के लिए, वो लोग अभी वोट देने वाले होंगे। तो मशीन में क्या होता है, एक तो वोटिंग बटन होता है, बगल में उसका कैंडिडेट का नाम होता है। तो दो यूनिट मशीन की बता दी गई, एक कंट्रोल यूनिट एक बैलेटिंग यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो एक अधिकारी के पास होती है, वो हर बार लॉक उसका ओपन करता है तो आप एक वोट दे पाते हो। कहने का मतलब एक वोट देने के बाद में मशीन अपने आप को क्या कर लेती है, लॉक कर लेती है। और जैसे ही ईवीएम अपने आप को लॉक करती है तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो होता है, वन पर्सन गेट्स टू वोट ओनली वंस, मतलब हर एक आदमी को सिर्फ एक वोट करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यहां तक यदि आप लोगों के समझ में आया है कि ईवीएम एग्जैक्टली वर्क कैसे, क्योंकि जब तक बेसिक चीज नहीं समझोगे कि वर्किंग ईवीएम की कैसे होती है, वर्किंग बैलेट पेपर पे कैसे होती, तब तक क्लास का मजा नहीं आएगा। तो जिनको क्लियर है एक बार फटाफट थम्स अप करो, और यहां तक का कोई सवाल हो तो एक बार सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और गाइस फटाफट एसोसिएट करिए नए स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत चीजें नई नई आप लोगों के लिए हम लाने वाले हैं। तो जिनको समझ में आ रहा है वो भी बताएं, और कोई सवाल हो तो सवाल आप पूछ लें। बिल्कुल नेहा, ये जो मशीन होती है अपने आप लॉक हो जाती है, मतलब एक वोट देती है अपने आप लॉक होती है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ईवीएम खराब होती तो इस बार भी खराब होती। ईवीएम यदि मोदी जी के टाइम खराब रहती है तो इस टाइम भी खराब रहनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बहुत ऑनेस्ट एजेंसी है, और पॉलिटिक्स में हो चाहे नहीं हो, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये राइट है कि मैं अपने व्यू आप लोगों को बताऊं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस व्यू होने चाहिए। बैलेंस व्यू ये है कि हम पॉलिटिक्स करें डेमोक्रेटिक तरीके से करें, बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता क्या है कि हर यूनिट जो होती है वो अपनी डिग्निटी के साथ में बढ़ती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, शेयर करते रहना फटाफट। देखो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने समझा दिया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन वर ईवीएम फर्स्ट यूज्ड इन इलेक्शंस। ये बात हुई कि भैया सबसे पहले ईवीएम प्रयोग कब हुआ और कहां हुआ, ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। देखिए, द यूज ऑफ ईवीएम स्टार्टेड बैक इन 1982, मतलब 1982 में सबसे पहले जो ईवीएम का यूज हुआ था दैट वाज बीन इन केरला असेंबली इलेक्शन। तो ये जो केरल राज्य है आपका, केरल के असेंबली इलेक्शन के अंदर आप लोगों का यहां पे क्या प्रयोग हुआ था, ईवीएम का। प्रियर टू दिस, मतलब इसके पहले, प्रियर टू दिस ओनली बैलेट पेपर एंड बैलेट बॉक्सेस वर अलाउड। कहने का मतलब है कि 1982 में केरल के अंदर सबसे पहले असेंबली इलेक्शंस जब हुए थे तो इस असेंबली इलेक्शन में सबसे पहले पोलिंग, मतलब पोलिंग के लिए ईवीएम मशीन का यूज किया गया था। और ईयर आप लोगों को पता है 1982, इसके पहले बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस का यूज होता था। अब बात ये देखिए कि बैलेट पेपर किस तरह से होते थे। सिंपल एक पेपर होता था, यहां पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और यहां पे उनके निशान दिए होते थे, जो भी उनका सिंबल होता था वो। आपको एक ठप्पा लगाना होता था किसी बॉक्स पे, तो कई बार क्या होता था, ठप्पा या तो आधा बाहर रह जाता था, दो के ऊपर आ जाता था, क्रॉस कर जाता था। तो बहुत से बैलेट पेपर में क्या होते थे, वोट रिजेक्ट होते थे। तो अभी क्या होता है, ईवीएम के अंदर एकदम फ्रेश वोट होता है, तो बैलेट पेपर पे वोट रिजेक्शन का केस बहुत ज्यादा आता था, तो इससे भी बहुत नुकसान होता था। तो वोट रिजेक्शन का मालूम चल गया, तो केरल जो थी, केरल के अंदर सबसे पहले आपके क्या किया गया था, बैलेट पेपर का फर्स्ट यूज किया गया था। तो गाइस समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन एंड डिजाइन, मतलब इसकी प्रोडक्शन और डिजाइन कहां पे किस तरह से हो रही है। देखिए, देयर आर ओनली टू इंडियन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट। पीएसयू समझते हैं, पीएसयू का मतलब होता है, आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, सरकारी कंपनियां। ठीक है, देयर आर ओनली टू पीएसयूज। फर्स्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BLE, और भारत इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। दोनों कंपनियों के नाम एकदम तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा। देयर आर ओनली टू इंडियन PSU सरकारी कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL दैट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो मैन्युफैक्चर होता है वो इंडिया में दो कंपनियां, सरकारी कंपनियां हैं, केवल वो ही करती है। यहां पे एक शब्द लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में ओनली, इसको हाईलाइट करके माइंड में आप लोगों को रखना है। देखें,
इसके बाद क्या होता है, द सीक्रेट सोर्स कोड, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, द सीक्रेट सोर्स कोड इज ओनली एक्सेसिबल टू ए फ्यू इंजीनियर्स. ठीक है, कुछ लिमिटेड इंजीनियर्स होते हैं, वो उनको ही इसकी कोडिंग डिकोडिंग पता होती है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिख रहा है, इंजीनियर्स हु आर इन द फैक्ट्री हैव नो क्ल्यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी विच डेवलपमेंट ऑफ द मशीन, डिप्लॉयमेंट ऑफ द मशीन. ठीक है, कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी, इनका उन इंजीनियर्स को भी पता नहीं होता है. देखिए, कोडिंग डिकोडिंग करने वाले तो होते तो इंजीनियर ही हैं, बट वो इंजीनियर कोडिंग डिकोडिंग तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी. जैसे जो आप कभी जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में चेक करने वाले होते तो हमारे टीचर्स ही हैं, बस स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसकी कॉपी कहाँ जाने वाली है, और चेक करने वाले को ये नहीं पता होता कि कॉपी किस डिस्ट्रिक्ट से आई है, किस स्कूल से आई है. तो इसी तरह से इसका जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, जो PSUs दो हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो चीजें हो गई, और ये दो ही मशीन बनाने का, ईवीएम बनाने का काम करती हैं. तो दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए. पहला, 1982 के अंदर केरला असेंबली के अंदर सबसे पहले यूज किया गया वो, और दूसरा उसके बाद में पता होना चाहिए कि दो पब्लिक सेक्टर यूनिट है केवल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ध्यान समझिएगा. और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो यहां तक का समझ में आ रहा है, तो एक बार कुछ बातचीत चल रही हो तो एक बार देख लेते हैं. नेहा, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, रिया, शीतल सभी साथ में हैं, तो एक बार बाकी साथी कहाँ चले गए आपके? लगता है ये सेशन की हैबिट छूट गई 3 बजे वाले की ना, रेगुलर करेंगे अब आपके लिए 3 बजे वाले, रेगुलर आप लोग आएंगे तो कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, पद्मा चौधरी, हिंदी में करवाएं कुछ. देखिए, सडन सेशन होते हैं, सडन सेशन में कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश में अवेलेबल हो पाता है, हिंदी की भी कोशिश करेंगे, हिंदी का भी कंटेंट आप लोग लेके आए, बट पढ़ने का कोशिश करो. दिखने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, ये भी हम इंप्रूव कर लेंगे. ईवीएम ऑनलाइन काम करती है क्या? नहीं भाई, ऑनलाइन काम नहीं करती है, भूल मत करना, ईवीएम ऑनलाइन काम नहीं करती है. क्लियर है? ठीक है, तो गाइज देखो, कुछ और अपडेट कर देंगे आप लोगों के लिए, बट आप कंटिन्यू शेयर करते रहना. तो ये मालूम चल गया, इसके बाद में देखती है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन, हम देख चुके हैं. सवाल पूछा जाएगा, व्हाई इज इंडिया यूजिंग ईवीएम्स, मतलब आखिर में इंडिया को ऐसा क्या है कि वो ईवीएम यूज करना चाहता है? भारत में बड़ा विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम जो है ईवीएम का यूज करना चाहते हैं? देखिए, होल्डिंग फ्री फेयर एंड फास्ट इलेक्शंस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है, संविधान आप लोगों को पता है, निष्पक्ष, बिना किसी भय के, और तेज इलेक्शंस कराना. ठीक है, ये भी जो है हमारा एक मेन जो थी, मैं जो गारंटी करता है, कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है. इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 1980s एंड 90s वॉज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू फर्दर स्ट्रेंथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया विच इज बाय फार द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 800 मिलियन वोटर्स. दोस्तों, बात यह समझनी है कि जब हमारे संविधान ने निष्पक्ष, तेज और तुरंत चुनावों की बात कही है, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 800 मिलियन वोटर की डेमोक्रेसी जो है, उसको अश्योर करने के लिए हमने 1980s और 1990 के दशक में कुछ कदम बढ़ाए, कुछ संविधान संशोधन किए, और हमने मशीन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया बैलेट पेपर के अगेंस्ट में, नॉट इन अगेंस्ट, ऑन द प्लेस ऑफ बैलेट पेपर. ठीक है, हमने ईवीएम को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब हम ईवीएम के तरी पैटर्न पे चल करके एक अच्छे फेयर इलेक्शन कराने में हम बिलीव कर रहे थे. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज पता लग गई कैसे क्या हुआ था. इसके बाद में देखिए, यूजिंग ईवीएम मीन्स डूइंग अवे विद पेपर बैलेट एंड इन टर्न सेइंग मिलियंस ऑफ ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट. कहने का मतलब, जब बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है पेड़ों से. तो जब मिलियंस ऑफ वोटर जो बनेंगे, तो मिलियंस ऑफ ट्रीज की जो हमने बचा लिए हैं, तो जो पेड़ों की कटाई होती है एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है, इसका एनवायरमेंट कंसर्न आप लोगों को समझना होगा कि बैलेट पेपर पे यूज करने से, पेपर का प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली होगा, तो पेड़ों की कटाई होनी तय है. तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, फास्ट प्रोसेस नहीं है, फेयर प्रोसेस नहीं है. जब मशीन्स इतनी फेयर एंड फाइन काम कर रही हैं, तो हमारे को उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो जो पेड़ पौधों की कटाई होती है, उससे भी काफी नुकसान इसको हो जाता है. ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, इट मेक्स
It makes the entire process of voting simple. A click on the button and your vote is registered. आपको एक बटन दबाना होता है और आपका वोट रजिस्टर्ड हो जाता है. ठीक है. EVM in the long run, EVMs in the long run have turned out to be cost effective as well. These machines don't require electricity and run on batteries. कहने का मतलब एक तो इनको कैरी करना बहुत आसान है. बैलेट बॉक्सेस की लूट होने का भी कई खतरा रहता है लेकिन इनमें वो खतरा भी नहीं है. ये अब बोल रहे थे सर इंटरनेट से चलती है कि भाई ये तो बिजली भी नहीं चाहिए होती है, बैटरी से भी रन हो जाती है. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वहाँ पर भी बैलेट मशीन से वोटिंग हो सकती है. तो इसके कुछ प्रॉज हैं आप लोगों को बता रहे हैं. मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे बड़ा जो हम डेमोक्रेसी लेके बैठे हैं उसको मेंटेन करने में यही काम आती है. और उसके बाद में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एक क्लिक तक सीमित हो जाता है. मतलब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको आगे बढ़ा पाते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ अच्छाइयां और देखते हैं. एट द सेम टाइम ईवीएम्स आर लाइटर एंड पोर्टेबल. ठीक है, लाइट होती है, वजन नहीं होता है, पोर्टेबल है, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो. सपोज करिए एक पोलिंग बूथ की मशीन को ले जाने के लिए इतना सा एरिया चाहिए और वहीं बॉक्स को ले जाने के लिए इतना एरिया चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ऊपर चली जाती है बैलेट बॉक्सेस में. वहीं पे ईवीएम मशीन में जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो काफी कंट्रोल्ड रहती है. तो साफ लिखा हुआ है ईवीएम्स आर लाइटर एंड पोर्टेबल कंपेयर टू द ह्यूज बैलेट बॉक्सेस. मतलब भारी भरकम बैलेट बॉक्सेस से तो बेहतर होता है भैया छोटी सी मशीन ले जाइए और वोटिंग करा करके आ जाइए, जबकि इतने सेफ्टी फीचर्स उसमें दिए हैं. तो आप लोगों को नजरिया ये रखना होगा कि ईवीएम के फेवर में गवर्नमेंट यदि चल रही है, गवर्नमेंट यदि ईवीएम को फेवर कर रही है, बिलीव मी यदि जब जो आज पार्टीज अगेंस्ट में है ईवीएम्स के, जब वो कभी सत्ता में होंगी तो ऐसे नियम चेंज नहीं होते हैं. क्योंकि बहुत से कानून, आधार कानून का प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो विरोध करती थी. आधार कार्ड बनाया तो आधार कार्ड के अगेंस्ट में बहुत से प्रोटेस्ट इन लोगों ने किए थे, बट आज उसी आधार कार्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो वैसे ही अपोजिशन का काम होता है विरोध करना, वो विरोध हर चीज का करते हैं. लेकिन हमारे हम क्या है, यू आर गोइंग टू बी ए सिविल सर्वेंट. तो ठीक है, तो उस नजरिए से चीजों को देखिए, फैक्ट पे काम करना है. ठीक है. लास्ट में लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईवीएम्स हैव मेड द वोट काउंटिंग प्रोसेस मच फास्टर. तो वोटिंग काउंटर काउंटिंग का जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो गया है. ठीक है. डिलीवरिंग रिजल्ट इन आवर्स एज अगेंस्ट मैनुअल काउंटिंग ऑफ वोट विच कुड टेक डेज. कहने का मतलब आदमी जब वोटों को हाथों से काउंट करने लगेगा, एक मशीन काउंट करने लगेगी, तो कुछ दिनों के काम को कुछ घंटों में सीमित कर दिया ईवीएम मशीन ने. तो ये सारे इसके पॉजिटिव फैक्टर्स आप देख रहे हैं. तो यदि ये मेंस में क्वेश्चन बन के आता है ईवीएम मशीन वर्सेस बैलेट बॉक्सेस, ऐसा नहीं है कि इसके नुकसान नहीं है, इसके नुकसान भी मैं बताऊंगा, लेकिन फैक्ट्स को माइंड में रखिए कि किस तरीके से इसको हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. तो गाइज यहां तक यदि समझ में आया है, कोई सवाल है तो पूछ लें, बता दें कोई सवाल हो यहां तक. तो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपके सवालों का. सुल्तान नसरीन बोल रहे हैं सर अगर कोई मशीन चुरा ले तो क्या होगा. भाई ऐसा तो कुछ भी हो सकता है. नेता को उठा ले तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. विधायक जीत के विधायक को अगवा कर ले तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो बैलेट पेपर के जो बैलेट बॉक्सेस के कंपेरिजन में झगड़ा है वो काफी कम रहता है इसके अंदर. पद्मा हिंदी की हिंदी भी कल से आप लोगों के लिए आ जाएगी, चिंता मत करिए, क्लासेस रेगुलर रहेंगी. और जो एक क्लास का वेट कर रहे हैं ना, नाम नहीं लूंगा बट आप लोगों को पता है वो क्लास भी आने वाली, डोंट वरी. क्रिस्टल क्लियर, चलो फाइन. अब गाइस एक बार शेयर करो फटाफट, क्लास की रीच को डबल करो, जितने भी अभी चल रहे हैं उनकी डबल हो जानी चाहिए क्लास. तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, वोट काउंटिंग जो होती है वो प्रोसेस बहुत शानदार हो जाता है. और हाँ, नोट्स बनाते चलना, हिंदी में भी हो तो पक्ष विपक्ष लिख लेना, ईवीएम के फैक्ट्स लिखना, पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगा. लेकिन साथ में इसको क्या है, आप जो अपने ऐप के ऊपर पीडीएफ मिलेगा, लेकिन साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बना लो जो भी लैंग्वेज में हो. और इंग्लिश यार इतनी तो अपने को कंपलसरी लैंग्वेज भी क्वालिफाई करना ना भाई, कंपलसरी लैंग्वेज का भी पेपर होता है. तो कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर यदि हमें क्वालिफाई करना है तो हमारे को थोड़ा सा इंग्लिश अभी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. नेक्स्ट देखियो वीवीपैट. अभी देखो बहुत दिनों से बवाल चल रहा था कि भैया अब ये वोट हम दे किसको रहे हैं, जा किसको रहा है, दे किसको रहे हैं, जा किसको. लेकिन अभी क्या हुआ, वीवीपैट सिस्टम आ गया. मतलब इस बार अभी जिन लोगों ने वोट दिया होगा, वोटिंग करने के साथ में फोटो दिख गई होगी, निशान सामने आ गया होगा कि वोट आपका किसको गया, वही वीवीपैट मशीन है. देखते हैं वीवीपैट मशीन होती क्या है. ठीक है. देखिए कहां लिखा है नाम इसका, द वोटर
वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, नाम को ध्यान से समझ लेना, द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इट इज नोन एज वीवीपैट, ठीक है। आप देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। आफ्टर कंसर्न्स वर राइज्ड ऑन वेदर ईवीएम्स आर टेम्पर्ड प्रूफ और इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड ए कमिटी टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटीज ऑफ लिंकिंग द ईवीएम्स टू ए पेपर ट्रायल मशीन टू शो वोटर्स ए स्लिप विद द पार्टी सिंबल फॉर विच दे हैव वोटेड। एज अ रिजल्ट वोटर्स कैन मेडिटरली चेक If their vote is cast for the person or party of their choice, कहने का मतलब बवाल होने लगे थे भैया कि जो EVMs होते हैं ये टेम्पर प्रूफ है कि नहीं, कहने का मतलब कोई गफला तो नहीं है, टेम्पर प्रूफ का मतलब है कि गफलत तो नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। बहुत से लोग बोलते थे कि साहब हमारे वार्ड के अंदर तो वोट जो है वो तो फला पार्टी को गए हैं, लेकिन मैक्सिमम वोट इस पार्टी को आने, तो सब गफलत थी, सब मतलब झूठ। कई बार अफवाहें उड़ने लगती है, वैसे अफवाहों के दौर के अंदर ये दौर भी आया था, तो टेम्पर प्रूफ था कि नहीं। तो हुआ क्या कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसने एक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया। इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी को तलाशो कि यार ये जो ईवीएम्स होते हैं इसको क्या पेपर ट्रायल मशीन हम कर सकते हैं कि जो वोटर हो उसको एक स्लिप दिख जाए जिसमें उसका जो वोट दिया वो प्लस उसका नाम उसकी सिंबल उसको नजर आ जाए, तो उसके मन में वेरिफिकेशन हो जाएगा भाई हाँ मैंने जो वोट दिया है दैट इज एग्जैक्टली उसी का ही है जिसके अंदर जिस पार्टी को मैं वोट देना चाहता था, ठीक है। अब उसी को करने के लिए ये मशीन लाई गई। अब देखिए द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, हिंदी में नाम लिख रहा हूं हिंदी वालों के लिए ध्यान से लिख लीजिएगा, नाम लिखा जाएगा द वोटर वोटर वेरीफाइड द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये नाम आपको ध्यान रखना है। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है और इस बार पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो The Voter Verified Paper Audit Trial was first used in 2013, 2013 में सबसे पहले यूज किया गया था नागालैंड्स नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो नॉक्सेन को नाम हाईलाइट याद रखना है, नागालैंड राज्य याद रखना है कि जो असेंबली विधानसभा जो हुई थी, नागालैंड विधानसभा का एक क्षेत्र आता है नॉक्सेन, नॉक्सेन में सबसे पहले 2013 में वीवीपैट मशीन का यूज किया गया था। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो ईवीएम मशीन का यूज हुआ था वो केरला में हुआ था सबसे पहले, और वीवीपैट का जो यूज हुआ है दैट इज इन नागालैंड, ठीक है। यहां तक का कंटेंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। डार्क पेन ले लिया सर, पेन वेन दिख जाएगा क्योंकि ये पीपीटी है, पीपीटी का ट्रायल है, ठीक है। थोड़ा सा स्कोर डार्क कर लेंगे, अभी आप एक बार जो देख पा रहे हैं क्लियरिटी के साथ में, बिकॉज इट्स नॉट पीडीएफ इट्स पीपीटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस आर राइज्ड ऑन ईवीएम येट अगेन, मतलब दोबारा से जो है एलिगेशंस लगे हैं, क्वेश्चंस आए हैं ईवीएम के ऊपर। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, देखिए द इलेक्शन कमीशन हैज सैटिस्फिशियली मेंटेन्ड दैट द मशीन्स आर परफेक्ट एंड दैट द सॉफ्टवेयर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड द री एग्जामिन्ड बाय द इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मतलब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि भैया हमारी जो मशीन्स हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, चिंता मत करो, दुनिया भर के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हमने इसको चेक करवा लिया है, कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है, मशीन्स आर परफेक्ट, ठीक है। अब साथ में क्या लिखा है, ऑन द अदर सम आईआईटी ट्रेंड इंजीनियर्स हैव शोन क्लियर, हाईलाइट रखना, हैव शोन हाउ द मशीन्स कैन एक्चुअली बी मल्टी मैन्युपुलेटेड बाय द रिमोट डिवाइस और बाय इंसर्टिंग प्री प्रोग्राम्ड चिप्स और बाय सेलेक्टिव टेम्परिंग विद ओनली 20% ऑफ देन द सिक्योर सिंपल मेजोरिटी। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बोल रहे हैं भैया, कुछ इंजीनियर्स आईआईटी ट्रेंड इंजीनियर्स थे, उन्होंने ये बताया करके बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा दिया कि जो रिमोट डिवाइस होती हैं वो या प्री प्रोग्राम चिप्स उनमें लगा दी जाती हैं, और प्री प्रोग्राम चिप के बारे में और बता रहा हूँ कि जो आपकी करंटली जो आपकी जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना उनके ऊपर भी इस टाइप के कुछ चिप्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, जिससे होता ये है कि प्री प्रोग्रामिंग से एक दिखता हमारे को डेटा पूरा है, बट जो उसको कंटिन्यू हम करते हैं तो पेट्रोल की जो लिमिट होती है उसमें ऑलरेडी तय हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि इसको हैक किया जा सकता है, ठीक है।
सो इसमें कहा कि कुछ जो चोजन मशीन होती है, कहने का मतलब कुछ लिमिटेड मशीन को हैक किया जा सकता है, जिससे जो होती है वो जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में वो काम कर लेती है। दोस्तों ये एलिगेशंस लगातार लगते आ रहे थे, इसके बाद में आगे क्या चल रहा है। द इलेक्शन कमीशन सेज दीज एलिगेशंस आर आउटरेजियस बिकॉज द होल सिस्टम एंड प्रोसेस हैव बीन शोन द डायरेक्टर्स एंड द मैटर और सेटल्ड। कहने का मतलब जो प्रोसेस है कंप्लीट है, जो एलिगेशन है वो बेकार है, पूरा काम हमने एकदम साफ सुथरा किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आगे ये चीज जो लिखी है वो ये लिखी है कि जिस प्रकार से भाजपा या नॉन बीजेपी के बीच का जो विवाद था वो इलेक्शन कमीशन तक इनडायरेक्टली आ गया था। इसके बाद में दोस्तों देखें, आर्ग्यूमेंट्स दैट इन फेवर ऑफ बैलेट पेपर, ये लिख लीजिएगा, मतलब बैलेट जो हमने ईवीएम के तो पक्ष में बहुत सारे मुद्दे देख लिए, अब बारी है देखने की कि बैलेट पेपर के पक्ष में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। लिखा हुआ फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस द ईवीएम सिस्टम एंड सपोर्ट द पेपर बैलेट, ठीक है। पहला देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मेल फंक्शनिंग्स ऑफ ईवीएम्स की बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है द ओनली वे एन ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड विद बाय द फिजिकली ओपनिंग इट अप एंड रिप्लेसिंग विद द चिपसेट इनसाइड इट। कहने का मतलब ये बोलते हैं कि ईवीएम जो होती है उसको हैक किया जा सकता है और उसके अंदर एक चिप लगाया जा सकता है, इसलिए जो बैलेट पेपर है दैट इज बेटर, ठीक है। द चिपसेट यूज्ड इज नॉन रीप्रोग्रामेबल एंड डेटा इज ब्रंट इनटू द डिवाइस, सो टुडे इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिप्लेस ऑफ चिप इफ वी हैव एक्सेस टू ईवीएम्स। कहने का मतलब यह है कि जो छोटी छोटी चिप होती है वो चिप इसमें लगाई जा सकती है, मेन बात यह है चिप का खतरा है, और बैलेट पेपर सॉरी उसमें ईवीएम में चिप लगा करके अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम उसके अंदर कोड कर सकते हैं, तो वोटिंग चाहे किसी को भी जाए, वोट जिसको गिरना है उसी को गिर जाएगा। पर मैं ये बात बार बार ये बोल रहा हूं कि यदि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में या यूपी इलेक्शन में जितने इलेक्शन उन्होंने जीते हैं उसमें यदि ईवीएम के अंदर उन्होंने टैंपरिंग की थी तो दिल्ली इलेक्शन में टैंपरिंग क्यों नहीं हुई, टैंपरिंग क्यों, कौन पार्टी हारना चाहती है, ठीक है। तो एलिगेशंस का दौर है, अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन जो बैलेट पेपर के पक्ष में जो बात हो रही है वो आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ऑन द वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल फ्रंट टू देर आर रिपोर्ट्स ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑल्सो एज पर द रूल्स पेपर बैलेट एंड वीवीपैट मशीन्स आर नॉट कनेक्टेड ऑन एंड काउंटेड अंटिल द रिटर्निंग ऑफिसर आस्क फॉर इट। कहने का मतलब जब तक रिटर्निंग ऑफिसर उसको कहता है तब तक वो चीज़ ओपनली सामने आती नहीं है, ठीक है, और उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। द आउटकम ऑफ द रीसेंट उत्तर प्रदेश सिविक पोल्स सजेस्टेड दैट द टैम्परिंग कुड बी हैपनिंग, मतलब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी स्थानीय चुनाव हुए थे उसके अंदर ये आया कि जो टैम्परिंग है दैट कुड बी हैपनिंग वो हो सकती है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मतलब US स्टिल यूजेस पेपर बैलेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो दुनिया भारत में जो पक्षधर हैं जो सबसे बड़ी बात बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया जो दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट, देखो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हमारी है लेकिन जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर भी बैलेट पेपर यूज होता है। क्या टेक्नोलॉजी में वो हमसे पीछे हैं, बट वो क्यों नहीं बैलेट पेपर की जगह ईवीएम यूज कर रहे हैं, हम ईवीएम क्यों यूज करते, तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो आप पक्ष में दे सकते हैं कि जो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का यूज करता है, ठीक है। सिस्टम फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एज अमेरिकन फील सेफर यूजिंग पेपर बैलेट्स एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक फैक्टर से जो आपके सामने लिखे हैं। नेक्स्ट लिखा है हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर बैलेट, कुछ समस्याएं भी हैं। पहला ट्रांसपोर्टिंग की समस्या है बिकॉज उसकी सुरक्षा करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लिखा है बैलेट बॉक्सेस कैन बी कैप्चर्ड, बैलेट बॉक्सेस को कैप्चर किया जा सकता है, तो खतरा जो है वो ज़्यादा यहाँ पे है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत आती है और बैलेट पेपर को इससे खतरा भी रहता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएम, ईवीएम के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो आप देख लेते हैं। ईवीएम लेड टू ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ इलेक्ट्रोल फ्रॉड्स पर्टिकुलरली इन पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट्स एज रिगिंग इलेक्शंस बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ठीक है। कहने का मतलब होता क्या है कि ऐसे जहाँ पे ऐसे राज्य जो सेंसिटिव हैं जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है और सीधा सीधा पूरे पूरे वोट ले लिए जाते हैं, बट ये खतरा ईवीएम्स में कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करती है, एक वोट पे एक ही बार चल पाती, लेकिन बैलेट पेपर को सीधा लिया ठप्पे लगाए वोट डाल दिए, तो ये खतरे से बचाती है आपकी ईवीएम मशीन।
Research has shown a link between luminosity and the growth rate, suggesting that EVMs contribute to development. कहने का मतलब ये एक रिसर्च बताती है कि EVM का जब से यूज होने लगा है तब से डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े हैं. रीजन क्या होता है? EVM में इलेक्शंस फेयर हो जाते हैं. फेयर इलेक्शन होते हैं तो जो लोग जनता जिनको चाहती है वो लोग चुन के आते हैं. तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब होते हैं तो वो डेवलपमेंट करते हैं. तो ये थोड़ा पॉजिटिविटी जो रही है इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिली है. ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए EVM के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि क्या कुछ वहाँ हो सकता है. इसका आप स्क्रीनशॉट क्लियरली ले सकते हैं कि इसमें EVM और दोज फ्रॉम वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु आर विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल वायलेंस. कहने का मतलब जो राजनीतिक हिंसा का शिकार होते थे उनसे इनकी रक्षा हो जाती है. इन पर्टिकुलर वुमेन, लोअर कास्ट एंड दोज लेस एजुकेटेड हु आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ EVM वर यूज. कहने का मतलब जब से EVM यूज होने लगा है, चाहे लोअर कास्ट आप ले लीजिए, चाहे वुमेन ले लीजिए, चाहे आपके और भी कई पर्टिकुलर जिनको एक सहूलत होती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ री इलेक्शन एंड विनिंग मार्जिन्स हैव रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली. कहने का मतलब जो विनिंग मार्जिन पहले बहुत बड़ा बहुत छोटा हो जाता था वो कंट्रोल हो चुका है. अब जीत हार का अंतर लाखों का बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वोटिंग जो है वो बड़ी फेयर होने लगी है. हाउएवर इट डज नॉट इम्प्लाई दैट वी लोअर आवर गार्ड्स. द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड अ बिलीफ इन द फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस वेयर द लूजिंग पार्टी लिव्स फॉर फाइट अनदर डे. कहने का मतलब बात यह है, अब इसको एक बार हम डी स्विच कर दें. बात यह है कि हमारी इलेक्शन के प्रोसेस हैं वो बहुत ही फेयर एंड फाइन होते हैं. हमारे को इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. और इंडिया की जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया के अंदर यदि मैं कंपैरिजन करूँ, देख लीजिए इंडिया की इस पोजीशन में, सपोज करिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस्तर का यदि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुकमा का यदि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर इलेक्शन कराने में ईवीएम सपोर्टर होगी या फिर आपके लिए बैलेट बॉक्सेस सपोर्ट होंगे. कहने का मतलब हमारे को नए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि उसके अंदर जो उसकी एथिकल है, जो उसके एथिक्स हैं वो ना खराब हों, उसमें ऑनेस्टी पे क्वेश्चन मार्क ना लगे और डेमोक्रेसी फेयर एंड फाइन रहे. दोस्तों इस पूरे के पूरे क्लास को एक बार आप रिवाइज करके ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तो ये पॉइंट आप लोगों के मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है. यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे एक बार सवाल पूछ सकते हैं, कि भी कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप सवाल पूछिए. चलिए दोस्तों, पसंद सभी को आया है, आप फिर मुलाकात करेंगे एक नए शो में, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए कंटेंट के साथ में. आप लोग मस्त रहिए, चिंता मत करिए, कुछ भी यदि जिसको आप मिस कर रहे हैं वो सब आप लोगों को मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल. तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बढ़िया सा कमेंट, और यदि आप नए हैं और वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिशन 1 मिलियन का पार्ट बनिए और एज सून एज चैनल को 1 मिलियन क्रॉस करवाइए. इसी आशा उम्मीद के साथ में और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए. 31 मई को हम IAS का एग्जाम दे रहे हैं, तब तक के लिए चिल करिए, मस्त रहिए, और एक बात जो हमेशा हम बोलते हैं, बोलते रहिएगा लेट्स क्रैक इट.